स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दबंग स्पेशल। जी हां, आपको दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम के नाम से अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान के बारे में काफी दिलचस्प बात बताने वाली हूं जिसे यकीनन अगर आप भी सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं दरअसल सलमान खान की शादी को लेकर जिसका फैंस काफी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले काफी वक्त से सलमान खान का नाम उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वेंतूर के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, तो वहीं सलमान खान और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी के बारे में तो हर कोई जानता है। एक वक्त था जब सलमान खान और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी, यहां तक कि दोनों की शादी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में हो गया था ब्रेकअप। और ब्रेकअप के बाद एक बार फिर से ये दोनों यानी कि कैटरीना कैफ और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि सलमान खान यूलिया वेंतूर से शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब उनकी जिंदगी में वापस से कैटरीना कैफ जो आ चुकी हैं। दरअसल ये हम नहीं, ऐसा खबरों में आया है कि भाई शायद कैटरीना कैफ की वजह से ही सलमान खान यूलिया वेंतूर के साथ अपनी शादी को टाले जा रहे हैं। अब ये पूरा माजरा क्या है, मसला क्या है, ये आपको पता चलेगा हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राय बच्चन मौजूद हैं, साथ ही साथ कैटरीना कैफ भी मौजूद है। हालांकि सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि और भी कई एक्ट्रेसेस के साथ सलमान खान का अफेयर चला, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहा वो था ऐश्वर्या राय के साथ सलमान का रिश्ता और वहीं कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान का रिश्ता। लेकिन आपको बता दें पिछले 5 सालों से सलमान खान का नाम यूलिया वेंतूर के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी है, तो वहीं इस फिल्म में सलमान खान के साथ सलमान के दिल के करीब रहने वाली कैटरीना कैफ नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें पिछले 5 सालों से रोमेनियन ब्यूटी यूलिया वेंतूर सलमान खान के साथ नजर आ रही हैं। कहा जा रहा था कि यूलिया के साथ सलमान खान जल्द से जल्द शादी भी करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें अब सलमान खान यूलिया से कब शादी करेंगे ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं सलमान खान पिछले काफी वक्त से ही अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहे और पिछले काफी वक्त से उनका नाम यूलिया वेंतूर के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो वहीं खान फैमिली भी माना जाता है कि यूलिया वेंतूर को अपनी बड़ी बहू मान चुके थे। लेकिन खान खानदान में होने वाले हर फंक्शन में यूलिया वेंतूर मौजूद रहती है, तो वहीं हाल ही में गणपति बप्पा के विसर्जन में यूलिया ने सलमान की गैर मौजूदगी में बड़ी बहू का हर फर्ज अदा किया था। इसी के साथ आपको बता दें लेकिन अब कहा जा रहा है कि सलमान खान एक बार फिर से कैटरीना कैफ के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि शायद कैटरीना कैफ की वजह से ही अब सलमान खान यूलिया वेंतूर से अपनी शादी को धीरे धीरे टाले जा रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ते से तो हर कोई वाकिफ है। एक वक्त था जब सलमान खान और कैटरीना कैफ एक दूसरे के प्यार में पागल थे और दोनों शादी तक करना चाहते थे, लेकिन भाई कैटरीना कैफ की जिंदगी में आ गए बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर, जिसके बाद से सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता खत्म हो गया। इन दोनों के रिश्ते में वहीं पर फुल स्टॉप लग गया था। लेकिन भाई कहते हैं ना, प्यार एक दूसरे को ढूंढ ही लेता है, और वही ऐसा ही कुछ हुआ सलमान और कैटरीना कैफ के साथ। जी हां, रणबीर कपूर ने दे दिया हमारे मिस कैटरीना कैफ को धोखा, जिसके बाद से कैटरीना कैफ एक बार फिर से हमारे दबंग यानी कि सलमान खान के करीब आ गई। तो वहीं कहा जाता है कि यूलिया वेंतूर और कैटरीना कैफ में बिल्कुल भी नहीं बनती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सलमान यूलिया और कैटरीना कैफ भी जानते होंगे, लेकिन
किसी भी इवेंट में या फिर पार्टीज में यूलिया और कैटरीना कैफ को साथ में नहीं देखा गया। जी हां, दरअसल सलमान खान का नाम जहां पिछले काफी सालों से यूलिया वेंटूर के साथ जुड़ रहा है, तो वही सलमान खान का जो दिल है वो कहीं ना कहीं आज भी कैटरीना कैफ के लिए धड़कता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान हमेशा ही कैटरीना कैफ के सपोर्ट में आते हैं, कैटरीना कैफ की तारीफें करते हैं, और जिस तरीके से एक बार फिर से सलमान खान ने अपनी फिल्म भारत में कैटरीना कैफ को लिया है, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि शायद कैटरीना कैफ की वजह से ही सलमान खान अपनी रूमर गर्लफ्रेंड यानी कि यूलिया वेंटूर से अपनी शादी को टाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान अच्छे हस्बैंड साबित नहीं हो सकते, सलमान के अंदर वो हर बात बताई जाती है जो उन्हें एक बेस्ट हस्बैंड बनाती है। वहीं आपको बता दें, सलमान खान जो पिछले काफी वक्त से यूलिया वेंटूर को डेट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, जी हां, कहा जाता है कि यूलिया वेंटूर सलमान खान पिछले काफी वक्त से डेट कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान का जो दिल है वो अटका हुआ है मिस कैटरीना कैफ के ऊपर। जब से कैटरीना सलमान की जिंदगी में लौटी है, तब से शादी को लेकर सलमान ने और भी ज्यादा टाल मटोल करना स्टार्ट कर दिया है। शादी से बचने के लिए सुल्तान आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। यूलिया बार बार सलमान से इस रिश्ते को ऑफिशियल करने की गुजारिश करती है, लेकिन सलमान हर बार कोई नया रीजन देख कर उन्हें टाल देते हैं। अब भाई इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि सलमान खान के दिल में आज भी कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ भी फंसी हुई हैं। शायद सलमान खान कैटरीना कैफ की वजह से ही यूलिया वेंटूर के साथ अपनी शादी को टाले जा रहे हैं, क्योंकि भाई खबर सामने आई थी कि सलमान खान और यूलिया वेंटूर शादी करने वाले हैं, लेकिन अब सलमान खान शादी कब करेंगे ये बात तो मालूम नहीं, लेकिन फैंस हमेशा से ही सलमान खान की शादी का काफी बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, और अब वक्त हो चला है आप सभी से ही अलविदा कहने का, लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही कुछ और दबंग खान यानी कि सलमान खान से जुड़े किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट नाइन न्यूज और बॉलीवुड की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।